जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका क्यूरियोसिटी जीएस यूट्यूब चैनल पर। आज हम बात करेंगे अंतरराष्ट्रीय परिवार दिवस के बारे में। देखिए, यहाँ पर बेसिक रूप से ये है, हम समझेंगे कि परिवार क्या है, आखिर इसे मनाया क्यों जाता है और इसके संदर्भ में विभिन्न चीजों को हम देखेंगे, क्यों है, कैसे है, कहाँ पर इसकी एक राष्ट्र के निर्माण में परिवार की भूमिका क्या होती है, एक व्यक्ति से व्यक्तित्व के निर्माण में परिवार की भूमिका क्या होती है, एक व्यक्ति के व्यवहार के निर्माण में व्यक्ति की भूमिका क्या होती है, सॉरी परिवार की भूमिका क्या होती है। बात करते हैं इसके अंतर्राष्ट्रीय परिवार दिवस के बारे में, इंटरनेशनल डे ऑफ फैमिली के बारे में बात करते हैं। तो यह दर्शाता क्या है, यह अंतर्राष्ट्रीय परिवार दिवस जो मनाया जा रहा है, यह दर्शाता क्या है, यह दर्शाता यह है कि परिवार के महत्व के बारे में, आखिर एक परिवार का महत्व क्या होता है हमारे जीवन में, या किसी के राष्ट्र, किसी भी राष्ट्र में परिवार क्या भूमिका अदा करता है, उस राष्ट्र के निर्माण में, उस राष्ट्र में उसका कल्चर क्या होगा, इसमें एक परिवार की भूमिका क्या होती है। दूसरी चीज बात करते हैं इसका उद्देश्य क्या है, मनाने का उद्देश्य क्या है। तो परिवार की जो परिवार की सामाजिक, आर्थिक और जनसांख्यिकी के ज्ञान को बढ़ाने का अवसर भी प्रदान करता है, इसके उद्देश्य में भी मनाया जाता है। आगे बात करते हैं इसे को किस तारीख को मनाया जाता है, तो 15 मई को मनाने का इसका वो है, मनाया जाता है। दूसरी बात, यूएनजीए ने यह घोषणा की, संयुक्त राष्ट्र महासभा ने 1993 में यह घोषणा की कि 15 मई को अंतर्राष्ट्रीय परिवार दिवस मनाया जाएगा। अगर आगे बात करें तो 2022 में इसका जो थीम है वो क्या है, परिवार और शहरीकरण, परिवार और शहरीकरण इसका थीम है। देखिए, और इसका उद्देश्य यह है कि परिवार में जो मुद्दे हैं ना, परिवार में जो परिवार से संबंधित रिलेटेड, यहाँ का मतलब है रिलेटेड, आई का मतलब है इश्यूज, जो परिवार से संबंधित रिलेटेड इश्यूज, मतलब जो परिवार से संबंधित मुद्दे हैं, उनके बारे में लोगों को जागरूक करना कि आखिर किन किन चीजों, किन किन अवधारणाओं से एक परिवार का विघटन हो सकता है, एक परिवार कितनी भूमिका अदा करता है किस चीज में। आगे बात करते हैं परिवार के बारे में। तो परिवार एक राष्ट्र की एक इकाई है जिससे उस राष्ट्र को समझा जा सकता है। अगर किसी भी राष्ट्र के एक परिवार को उठाकर उसका उन्मूलन किया जाए, उसके बारे में समझा जाए, उन्मूलन तो नहीं कह सकते, उन्मूलन एक ऐसा शब्द है जिसमें हम किसी चीज को कम करने की, सॉरी, उसका मूल्यांकन किया जाए उस परिवार का, तो आप देख पाएंगे कि उस परिवार से उस राष्ट्र की कल्पना की जा सकती है। जब एक राष्ट्र के एक नागरिक को आप उसका अध्ययन करोगे ना, तो उस राष्ट्र के उस नागरिक से उस राष्ट्र की सारी चीजों को कहीं ना कहीं आप बहुत सारी चीजों को आप समझ सकोगे। लेकिन वो नागरिक होना चाहिए उस राष्ट्र का, नागरिक कहने का मतलब ये नहीं है कि नागरिक होना चाहिए, अब नागरिक आप समझ सकते हैं किस व्यक्ति को कह सकते हो। तो जैसे आप, मैं कहानी आपसे के साथ साझा करना चाहता हूं, जब पहली बार जब स्वामी विवेकानंद जी अमेरिका गए, तो वहां पर लोगों ने उनको देखा और वो उन्होंने कहा कि ये भगवा रंग का चोला पहनकर और सर पर पगड़ी बांधकर और ये यहाँ पर भाषण देंगे, या ये कहाँ के देश के निवासी हैं, या ऐसा बताया गया था उसके पहले कि हाँ ये बहुत ही इंटेलिजेंट है, तो या बहुत ही विद्वान है। तो वहां के लोगों ने उनको देखा और उनकी वेशभूषा से अनुमान लगाया कि क्या ये जो है ये किस देश से निवास करते हैं, और ये मतलब जब इनका पहनावा ऐसा होगा तो ये क्या होंगे। उन्होंने अनुमान लगाया कि ये बस नॉर्मल है, लेकिन उनसे पूछा गया तो उन्होंने जवाब दिया कि हमारे लोग हंसी उड़ाने लगे उनके उनके पहनावे को देखकर। तो उन्होंने कहा कि आपके देश में निश्चित रूप से किसी भी व्यक्ति की वेशभूषा को देखकर उसके व्यक्तित्व का आप अध्ययन कर सकते होंगे, या उसके व्यक्तित्व के बारे में आप मूल्यांकन कर सकते होंगे, आप बहुत बड़ी दूरदर्शिता है। लेकिन हमारे भारत देश में व्यक्ति के व्यक्तित्व का, हाँ 1% आप कह सकते हो कि कपड़े का पहनावा अब जो है प्रेजेंट टाइम में रियलिटी हो चुकी है, पहले ऐसा नहीं। तो व्यक्तित्व का जो भारत देश में व्यक्ति के व्यक्तित्व से उसकी पहचान की जाती, बाहरी वेशभूषा से नहीं,
तो आप सोच सकते हैं कि वहां पर उन्होंने भारत के बारे में क्या सोचा होगा। तो एक व्यक्ति की, एक राष्ट्र का एक व्यक्ति उस भारत देश के किसी भी देश या किसी भी समाज को प्रेजेंट कर सकता है, उससे दिखाई दे सकता है कि इसका व्यवहार क्या है, उससे दिखाई दे सकता है कि परिवार कैसा। आप एक बच्चे से मिलते हो तो उसके व्यवहार से अनुमान लगा लेते हो ना, अच्छा आपके माता पिता ऐसे होंगे, अच्छा आपके माता पिता बहुत अच्छे हैं तभी आपको एक ऐसा संस्कार मिला, अच्छा आपका जो समाज है वो काफी अच्छा है। तो आप जब एक बच्चे को देखकर इन सारे एस्पेक्ट को नजर में आप सारी चीजों पर बात कर सकते हो, जब अनुमान लगा सकते हो कि हाँ ये बच्चे को देखकर आप कितनी सारी चीजों को, उसकी सोसाइटी के बारे में, उसके परिवार के बारे में, उसके माता पिता के बारे में, जब आप इतनी सारी चीजें इकट्ठा कर पा रहे हो, इतने सारे नॉलेज इकट्ठा कर पा रहे हो, समेट पा रहे हो, तो जाहिर सी बात है कि एक व्यक्ति बहुत सारी चीजों को अपने साथ लेके चलता है। और मैं भी आशा करता हूं कि हमें भी अपने जीवन में अपने आप को ऐसा बनाना चाहिए कि हम अगर हम अपने राष्ट्र से बाहर जाए या अपने कहीं ना कहीं हमें ऐसा दिखना चाहिए या हमारे अंदर वो चीजें होनी चाहिए कि हम बिना बोले अपने व्यवहार को, अपने राष्ट्र को प्रदर्शित कर सकें। हमारे व्यवहार में वो चीजें होनी चाहिए। बोलने का मतलब है बोलकर तो प्रदर्शित किया ही जाएगा, लेकिन कुछ चीजें होती हैं कि हाँ संस्कृति भी जन्म देती है। आपके कपड़े, आपका पहनावा आपकी संस्कृति को बता देते हैं कि अच्छा आप राजस्थान से बिलोंग करते हैं, आप यूपी से बिलोंग करते हैं, कहाँ से बिलोंग करते हैं। आपकी बोली बता सकती है, आपकी भाषा बता सकती है कि आप कहाँ से संबंधित हैं। तो परिवार एक व्यक्ति के व्यक्तित्व के निर्माण की प्रथम इकाई होती है। एक माता जी, एक माँ एक परिवार की बहुत बड़ी शिक्षक होती है। उन्हीं के मार्गदर्शन में एक व्यक्ति का व्यक्तित्व बनता है और एक व्यक्ति जो है वो सामाजिक जीवन में बहुत सारी चीजों को। दूसरी बात यह है कि कौन कहाँ जाएगा ये तो बात की बात है, बट परिवार जो है अपनी बहुत बड़ी अहम भूमिका निभाता है उस व्यक्ति के एटीट्यूड को जन्म देने के लिए, उस व्यक्ति के दृष्टिकोण को जन्म देने के लिए। उस व्यक्ति व व्यक्ति समाज में किन चीजों को आगे करेगा यह निर्भर करता है कि उसका परिवार क्या कर रहा है। समझ रहे हैं आप निश्चित रूप से आप पूछ सकते हैं कि आज का परिवार क्या है। जब आप आज आप देखिए, आज हम परिवर्तन की बात करते हैं, आज हम परिवर्तन की बात करते हैं कि हमारे समाज में ऐसे परिवर्तन हो क्यों नहीं रहा है। तो इसका मूल कारण है कि हम अपने अंदर परिवर्तन करने के लिए इच्छुक नहीं है। हम ये देखते हैं, अगर परिवर्तन की बात आती है कहीं पर, अगर परिवर्तन की बात की जाती है तो हम ये देखते हैं कि अगला व्यक्ति कर रहा है कि नहीं, लेकिन पहले हम अपने अंदर झांक के नहीं देखते कि क्या मैं उसको अडॉप्ट कर पा रहा हूँ, क्या मैं उसको खुद लागू कर पा रहा हूँ, क्या मैं खुद उसको इम्प्लीमेंट कर रहा हूँ अपने जीवन में। नहीं, आज के समाज में हम देख रहे हैं कि हम खुद को नहीं, हम समाज को देखते हैं कि पहले समाज में हो फिर मैं करूंगा। नहीं, समाज का एक आप हिस्सा हो और आपके करने से ही समाज बदलेगा, आपके करने से ही बदलेगा समाज। आज लोगों से पूछो तो वो कहते हैं जब सब लोग सब्जी लेने के लिए जाते हो तो नहीं थैला लेके जाते तो मैं क्यों लेके जाऊं। भैया आप एक इकाई हो इस राष्ट्र की, आप एक लोग के बिना इस राष्ट्र की कल्पना भी नहीं की जा सकती। अगर ये पूरा राष्ट्र है तो जाहिर सी बात है आपका भी महत्वपूर्ण योगदान है एक राष्ट्र को बनाने में, एक सोसाइटी को बनाने में आपका भी महत्वपूर्ण योगदान है। तो आप निश्चित रूप से आप अपने अंदर परिवर्तन लाइए। जो परिवर्तन आप दूसरों से अपेक्षा करते हैं वह परिवर्तन आप अपने अंदर खुद भी लाइए। आप निश्चित रूप आके देख पाएंगे कि जो चीजें बहुत ऐसा लगता था जो परिवर्तन नहीं हो पा रहा है ना समाज में, वो हो जाएगा। लेकिन कब? जब आप खुद अपने ऊपर उसे अप्लाई करने की कोशिश करेंगे। आज हम देखते हैं कि स्वतंत्रता नहीं दी जा रही है। आज हम देखते हैं, आज वही पैट्रियार्की से लोग जकड़े हुए हैं, वही पितृसत्तात्मक व्यवस्था से लोग जकड़े हुए हैं। ऐसा चीजें सोचो आप, कहां तक हमारा भारत देश विकसित कर पाए, कहां तक हम विकास कर पाएंगे, आखिर हो क्या रहा है। जब आप एक अपने लड़के को बाहर भेजते हो तो नहीं सोचते, लेकिन जब एक बेटी को अपने बाहर भेजते हो तो बहुत कुछ सोचते हो। हाँ, लाजमी है सोचना, लेकिन हाँ आप स्वतंत्रता का अधिकार नहीं देते। क्या किसी की स्वतंत्रता का अधिकार छीन लेना आपके हक में है? नहीं। और साथ ही साथ हमारा उद्देश्य यह होना चाहिए कि लोग अपने हक के लिए लड़ें। आपकी आपका अधिकार जो है ना, वो आपको खुद आप अपने अधिकार के लिए लड़ना पड़ेगा। कोई अधिकार किसी को दिया नहीं जाता, आपको खुद उस अधिकार को प्राप्त करने के लिए आपको कहीं ना कहीं जाना पड़ेगा। आप देखे होंगे कि लोग अपने अधिकार के लिए सुप्रीम कोर्ट जाते हैं, क्योंकि उन्हें अपना अधिकार चाहिए। तो कहीं ना कहीं आपको अपने अधिकार के लिए लड़ना पड़ेगा, ये आपकी जिम्मेदारी है। और लड़ेंगे कैसे? जब आप सारी चीजों को समझेंगे, जब आप जागरूक बनेंगे, जब हर एक चीजों के बारे में समझने की कोशिश करेंगे, तभी तो लड़ पाएंगे।
जब आपको सारी चीजों को प्रमाणिकता के आधार पर जब आपको पता होगी वो चीजें, तभी तो आप किसी से लड़ पाएंगे या ऐसे लड़ पाएंगे नहीं। क्या आप बस बोलने से लड़ पाएंगे? नहीं। जब आपके पास हर चीज का तथ्यात्मक प्रमाण स्वरूप होगा, तभी तो आप किसी चीज को अपने अपनी भाषा में कह पाएंगे, अपने आप को साबित कर पाएंगे कि नहीं, मैं सत्य हूं, मेरा अधिकार ये है और मुझे ये चाहिए। आप किसी भी लेवल पर जा सकते हो। जब आपकी सुनवाई डिस्ट्रिक्ट लेवल पे कोर्ट पे नहीं होती, तो आप हाई लेवल पे कोर्ट में जा सकते हो। अगर वहां नहीं होती, क्योंकि जब आपके अधिकार में दम है, जब आपको अपना अधिकार चाहिए और वास्तविकता में वो अधिकार आपका होना चाहिए, तो आपसे कोई नहीं छीन सकता। आपको अधिकार दिया जाएगा, लेकिन आपको अपने अधिकार छीनना पड़ेगा, मांगना पड़ेगा अपना अधिकार। तो अधिकार मांगने के लिए आपको बहुत सारी चीजें हैं। तो स्वतंत्रता हर एक व्यक्ति को। जब हम सोचते हैं कि हमारा समाज, जब आप ये सोचिए, जब हमारे भारत देश में बहुत सारी विविधता है, डायवर्सिटी है, हर एक, आज क्या हो रहा है, आज स्कूलों में भी आप देखे होंगे, मैं यहाँ पर शिक्षक शब्द का प्रयोग नहीं करना चाहता, क्योंकि वो शिक्षक ही नहीं है जो इन सारी चीजों का प्रयोग करता है। आज आप देखे होंगे कि नॉर्मली किसी भी कोई जो कोई प्राइवेट स्कूल खुलता है, उसमें 20 साल के 18 साल के स्टूडेंट पढ़ा रहे हैं। आपने देखा होगा, वो वास्तव में शिक्षक नहीं है वो। या आपने बड़े लेवल पर भी देखा होगा, शिक्षक एक ऐसा शब्द है, वास्तविकता में मैं उसको बोलकर अपमानित तो नहीं करना चाहता। आपने देखा होगा कि आज के स्कूलों में हो क्या रहा है, पता है, बच्चे का नाम बुलाया जाता है ना, मान लो वो शिक्षक भी कोई एक जाति से बिलोंग करता है, जब बच्चे का नाम बुलाया जाता है ना, मैं हर एक शिक्षक की बात नहीं कर रहा हूँ, आप मत सोचिएगा, मैं एक ऐसे शिक्षक तब वास्तव में यहाँ पे एक ऐसा वर्ड ही है ये, मैं तो ये विनम्र निवेदन करना चाहता हूँ कि एक ऐसा वर्ड बनाना चाहिए जो शिक्षक के, आज हो क्या रहा है पता है, समाज में बहुत सारी चीजें हैं जो शिक्षक के पद को गिरा रही है। आप समाज में देखते हैं कि अच्छा, शिक्षक ने यहाँ पर ये सारी चीजें की है, समाज में न्यूज आती रहती है। आप न्यूज एंकर को भी आप देखिए ना, तो आप वो ये नहीं सोचते कि वास्तविकता में शिक्षक का एक अहम भूमिका क्या है किसी भी राष्ट्र के निर्माण में। वो तो बस अपनी बातों को पढ़ा चढ़ा कर कहने के लिए कुछ भी उपयोग में डाल सकते हैं। लेकिन हाँ, आने वाले समय में अगर हुआ तो एक ऐसा वर्ड बनाया जाएगा, जैसे देखिए, जैसे डॉक्टर हो गए, शिक्षक हो गए, ये हमारे भारत देश के या हर एक किसी भी देश के क्या है, न्यू है। अगर आप इनके पद को समाज में गिरा देंगे ना, तो समाज को विखंडित होते देर नहीं लगेगा। एक व्यक्ति को जो व्यक्तित्व तो बनाने की जो सीढ़ियां चढ़ाता है ना, वो शिक्षक होता है। अगर भगवान के रूप में किसी को देखा जाता है, तो आप डॉक्टर को देखते हो आज, तो उनके पद को क्यों, यहाँ कुछ लोग हैं जो उस पद पर बैठकर उसकी गरिमा को खंडित कर रहे हैं, तो उन्हीं लोगों के लिए एक ऐसा वर्ड बनाया जाए जो, जैसे क्या है कि शिक्षक उन लोगों के लिए लाजमी है, लेकिन जब कोई ऐसा व्यक्ति जो गलत काम करके शिक्षक के पद को गिरा रहा है ना, उसको लिए कोई दूसरा नाम दे दो, निश्चित रूप से तो समाज में जो शिक्षक पद की गरिमा है वो तो बनी रहेगी, जो डॉक्टर की गरिमा है वो तो बनी रहेगी। तो इससे क्या होगा कि जो हमारे बच्चे शिक्षक के नाम पर, आज देखोगे शिक्षक, हाँ अच्छा, यहाँ पर ये केसेस हुआ है, शिक्षक ने यहाँ पर मर्डर किया है, भाई साहब शिक्षक तो वो है ही नहीं, रियलिटी में अगर बात की जाए तो शिक्षक है ही नहीं, वो तो उनके पास अनुभव ही नहीं है, बस केवल हर शिक्षक केवल पढ़ाता ही नहीं आपको, शिक्षक आपको बहुत कुछ बना देता है। शिक्षक वो बना देता है जिसकी आप कल्पना भी नहीं कर सकते हो। शिक्षक जिसमें रुचि ना हो उसको रुचिकर बना दे, वो शिक्षक है। शिक्षक की मैं परिभाषा तो नहीं बोल सकता, लेकिन हाँ इतना तो जरूर कह सकता हूँ कि हाँ, आने वाले समय में ये होना चाहिए कि जो किसी भी राष्ट्र के निर्माण में जो अहम पद है ना, उनकी गरिमा बनाए रखने के लिए एक अलग वर्ड बनाया जाना चाहिए, निश्चित रूप से। कहीं पे भी देखिए, जब घूस लिया जाता है तो लोग कहते हैं पुलिस घूसखोर है, नहीं घूसखोर है भाई, मैं कहता हूँ, क्योंकि पुलिस जो वर्ड है ना वो बहुत अपने आप में महान है, शिक्षक जो वर्ड है ना वो अपने आप में महान है। कुछ लोगों के चलते जो पुलिस पद का गलत उपयोग उठाकर इस कार्य को करते हैं, पूरी पुलिस कमेटी जो है ना, वो पुलिस जो एक तरीके का आर्मी ग्रुप है ना, वो पूरी बदनाम हो जाती है। आएगा समय जो इसके लिए एक वर्ड बनेगा, जरूर बनेगा, मैं यहां से तो नहीं कह सकता, लेकिन आने वाले समय में होगा ऐसा। तो निश्चित रूप से आप समाज में एक समानता का अधिकार हर एक व्यक्ति को दीजिए, और इससे आप देख पाएंगे कि जो परिवर्तन आप एक देखिए, आज क्या है कि धर्म के नाम पर, जातिवाद के नाम पर बहुत सारी विविधताएं हैं हमारे भारत देश में, हैं, आप देखेंगे रोज हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई होता रहता है, होता रहता है। कि क्या है, क्या आप सोच रहे हो, अगर यहाँ पर बड़े लेवल पर दिखाया जा रहा है, तो क्या इतने बच्चों के जो आने वाली पीढ़ियां हैं ना, क्या वो उसके प्रभाव पर उसको ग्रहण नहीं करेंगे? बिल्कुल ग्रहण करेंगे। अगर उनके टीवी में, जब वो टीवी के सामने बैठते हैं, उनके सामने जातिवाद का मुद्दा उठा दिया जाता है, क्या उन पर प्रभाव नहीं पड़ेगा? पड़ेगा।
क्यों पड़ेगा पता है? क्योंकि आप उसी कल्चर को लेकर साथ चल रहे हो। उनको क्यों बताया जा रहा है? उनके सामने आप जब यूनाइटी बनने की प्रेरणा ही नहीं दे रहे हो, उनको अलग भेदभाव की दृष्टि से स्वयं दिखवा रहे हो, तो क्या आप ये चाह पाओगे या आपकी अपेक्षा पर वो खड़े उतर पाएंगे? नहीं खड़े उतर पाएंगे। हाँ मैं यहाँ पे था शिक्षक, आज होता क्या जब उनकी प्रेजेंटेशन होती है, जब अच्छा आप सिंह हो, अच्छा आप गुप्ता जी हो, अच्छा जी, यहाँ पर क्या होता है बच्चों की भेदभाव मानसिकता बदलती है, वहां से जातिवाद जन्म लेता है। दूसरी चीज, मैं जहां तक पहुंचता हूं, मैं किसी से अपेक्षा तो नहीं करता, लेकिन हाँ कभी समय आएगा तो देखा जाएगा कि जो स्कूल है ना, स्कूल में एक रूल होना चाहिए कि आप नाम लिखवा के आपको आरक्षण मिलेगा, आपकी जो कास्ट है कोई बात नहीं, लेकिन हाँ स्कूल में नाम आप जो है कोशिश करें कि ऐसा नाम लिखाएं, जैसे क्या है कि आप नाम लिखाइए, नाम में आप अपनी जाति को इंक्लूड मत करिए, आप देख पाएंगे कि यूनाइटी बनेगी, बच्चों में एक भेदभाव। आज मैं बच्चों से बात करता हूँ ना छोटे छोटे, अच्छा मैं गुप्ता हूं, बात करते वक्त तो वो ऐसा ईगो दिखाते हैं कि मैं ठाकुर हूं, मैं सिंह हूं, मैं ब्राह्मण हूं, मैं झा हूं। बहुत सारे बच्चों से मैंने बात की है तो उनके अंदर ये दिखता है। और किस क्लास के बच्चे पता है? सिक्स क्लास के, सेवन्थ क्लास के, एट क्लास के। तो एक है क्या, ये जातिवाद ही तो है जो बच्चों में पनप रहा है। वो जब एक स्तर पर आ जाएगा ना तो उन्हें बदला नहीं जा सकता, फिर वही बड़े होंगे और फिर वही बड़े क्षेत्र पर आकर और देश के, जहां पर हमारे देश को पूरी दुनिया देख रही होती है, वहां पर आकर वैसे मुद्दा छेड़ेंगे। और यही हो रहा है जब हाँ आज जो लोग डिबेट करते हैं ना इस पर, अगर वो उस पर पहले किए होते ना, उनके व्यक्तित्व को बदला गया होता ना, उनके उनके आचरण को बदला गया होता ना, तो आज वो यहाँ पर नहीं होते। तो स्कूल में ये मैं अपेक्षा करता हूँ, मैं सोचता हूँ ऐसा हो या ना वो अलग की बात है, लेकिन होना चाहिए, इससे एक यूनाइटी बनेगी, एक समानता का अधिकार देखने को मिलेगा कि बच्चों के अंदर जो भेदभाव है ना, ईगो है ना, वो नहीं रहेगा। आज बहुत से बच्चे अपने जात के कारण ईगो रखते हैं स्कूलों में रखते हैं, आप देखेंगे बहुत से लोग देख भी रहे होंगे। तो मैं कहना तो नहीं चाहता हूँ किसी से कि आप अपनी जात लिखें या ना लिखें, लेकिन हाँ आप खुद सोच सकते हैं कि क्या है इसका मैटर, आप इतने पढ़े लिखे भी हैं और एक परिवार जो है वो अपेक्षा करता हूँ कि वो उन सारी चीज़ों को परिवर्तन की श्रेणी में लाए जो वो समाज में देखना चाहता है। मैं खुद भी अपेक्षा करता हूँ कि मैं खुद वो चाहता हूँ कि जो मैं समाज में देखना चाहता हूँ, मैं पहले खुद अपने अंदर प्रेरणा खुद उसको इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करता हूँ। अगर मैं कुछ बताता हूँ आपको तो इसका मतलब ये नहीं है कि मैं आपको बता रहा हूँ। मैंने अगर आपको बोला है कि आप अपना नाम मत लिखवाइए, शायद अगर मुझे इस बात का एहसास 9th या 10th के पहले हो चुका होता तो मैं अपने 10th की क्लास में जो हमारा बोर्ड में नाम लिखा होता है ना चंद्रमणि विश्वकर्मा, मैं विश्वकर्मा हटा चुका होता, लेकिन अब संभव नहीं है। लेकिन हाँ इतना संभव है जो मैं अभी कर रहा हूँ रियल टाइम में, मैं ये कर रहा हूँ कि मैं अपनी जाति को कभी नहीं बताता। हुआ है कि जब मैंने इसके बारे में समझा तो मैंने ये डिसीजन लिया कि जब किसी सोसाइटी में जाते हो ना, जब अपना नाम बताते हो ना चंद्रमणि सिंह गुप्ता विश्वकर्मा, तो वहां पर लोगों का नजरिया बदल जाता है आपको देखने का। तो ये मैंने डिसाइड किया, मैं आपको नहीं कह रहा हूँ, मैं एक ओपिनियन रख रहा हूँ कि ऐसा स्कूलों में होना चाहिए, जो आपको अगर अच्छा लगता है तो आप कर सकते हैं, लेकिन मैंने तो डिसाइड कर लिया अपने जीवन में, आज के बाद जब मैं किसी को नाम बताता हूँ तो विश्वकर्मा नहीं बताता, केवल चंद्रमणि। इससे क्या होगा कि आप एक यूनिटी की ओर बढ़ेंगे, और जो जातिवाद है ना, बहुत बड़ी डाइवर्सिटी है सर आप देखेंगे तो जीवन में हमारे भारत देश में, इससे लोगों में यूनिटी नहीं है। युवा पीढ़ी पता है, युवा पीढ़ी आपको बहुत कुछ दे भी सकती है और बहुत कुछ गिरा भी सकती है। अगर वही युवा पीढ़ी नए नए स्किल सीखने में आगे बढ़ रही हो, उसे अवसर मिल रहे हो, तो वह युवा पीढ़ी हमारे देश के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकती है। लेकिन वही युवा पीढ़ी उसको रोजगार ना मिल रहा हो, उसको नई नई स्किल सीखने को ना मिल रही हो, तो वही पीढ़ी है, वही युवा पीढ़ी जब गलत रास्ते पर जा रही हो ना, तो आपके भारत देश को किसी भी देश को डुबा सकती है, किसी भी क्षेत्र को डुबा सकती है। जनसंख्या में पता है या देखा जाता है कि युवा की कितनी मात्रा है, जनसंख्या वृद्धि में आबादी किसकी ज्यादा है, और किसी चीज की आबादी ज्यादा है तो अगर युवा पीढ़ी हमारे भारत देश में युवा की जनसंख्या ज्यादा है ना, तो जाहिर सी बात है अगर युवा को अवसर मिला ना तो बहुत कुछ कर जाएगा। और युवा को अवसर मिला, अगर उसको अवसर नहीं मिला और उसको हमेशा ऐसी चीजों को की ओर प्रोत्साहन नहीं मिला जहां पर उसकी स्किल नई नई स्किल सीखने को ना मिले, तो जाहिर सी बात है वो विकास की श्रेणी में नहीं जाएगा, वो उसके द्वारा जो क्रियाकलाप होगा ना वो विकास की श्रेणी में नहीं जाएगा, और धीरे धीरे जो मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि होगा,
मैं ये कह रहा हूँ अगर दो चीजें हुई, एक हुआ आपका क्या कि उसको अवसर मिला, जो आपके युवा हैं युवा है वो दो दो क्षेत्रों में जा सकते हैं। अगर आपको अवसर दिया, अपॉर्चुनिटी आप दे रहे हैं उसे, तो बहुत आगे तक जाएगा वो। लेकिन अगर आप उसको अपॉर्चुनिटी नहीं दे रहे हैं, उसकी जो आबादी है उसको बस कुंठा की ओर ले जा रहे हैं, उसको नई नई चीजें नहीं दिखा रहे हैं, या ऐसा कोई प्रोग्राम नहीं चलाया जा रहा है कि उनको नई नई रोजगार, नई नई स्किल दिखाई जाए, नई नई चीजों के बारे में बताया जाए, उनको अपना अपना बेस्ट देने का अवसर प्राप्त किया जाए, तो निश्चित रूप से क्या होगा पता है, ये वही युवा पीढ़ी है जो किसी देश को खराब कर सकते। लेकिन अगर उसे अवसर मिला है, अपॉर्चुनिटी मिली अपने आप को प्रदर्शित करने की, तो वही युवा पीढ़ी किसी राष्ट्र को बहुत ऊपर तक ले जा सकती है। तो ठीक है, हम कहाँ चलते चले थे और कहाँ तक पहुंच चुके हैं, अंतर्राष्ट्रीय परिवार दिवस के बारे में हमने बात किया था, परिवार के बारे में बात किया हमने। मैं आशा करता हूँ अगर कुछ त्रुटियां हुई हो तो माफ कीजिएगा, कुछ ऐसा जो आपको बुरा लगा हो। देखिए यहाँ पर मेरा उद्देश्य होता है कि कोई भी व्यक्ति जो है मेरी बात, मेरी वर्तनी से किसी को कष्ट ना हो। मैं कभी भी ऐसा नहीं सोचता कि मैं, यहाँ पर मैं वर्ड भी ना एक अहंकार को जन्म देता है। लेकिन अभी क्या हुआ कि अभी वो चीजें मैं आपसे बात कर रहा हूँ जो अहंकार के रूप में नहीं। जब कभी मैं शब्द का उपयोग, पता है आप मत कब करिएगा, जब आप लीडरशिप में काम कर रहे हो ना, लीडरशिप, जब आप लीडर में काम कर रहे हो, जब आप एक ग्रुप में कार्य कर रहे हो, कोई सफलता प्राप्त करते हो आप ग्रुप में, तो आप वहां पर मैं मत करिएगा, मैं शब्द का उपयोग मत करिएगा, क्योंकि वहां पर पता है आपने ग्रुप के रूप में, अगर आप वहां पर हम कर देते हैं, देखिए लीडर में हम आप उपयोग करिए। जब कभी गलती हो जाए आपसे या किसी, एक मिनट थोड़ा सा सर हम आपका समय देंगे, एक ग्रुप है, ग्रुप में अगर आपसे गलती हो जाती है या ग्रुप से गलती हो जाती है, तो वहां पर आप मैं कहना आपके लिए लाजमी होगा और इसका बहुत अच्छा बेनिफिट मिलेगा। एक लीडर की एक क्वालिटी होती है। दूसरी चीज, ग्रुप में अगर कुछ सफलता प्राप्त होती है, कुछ बनाया जाता है, तो वहां पर आप हम का उपयोग कीजिए, वी, हमने किया है, अगर आप लीडर हो तो, क्योंकि मैं कहने पर, अगर ग्रुप में मैं कह रहा हूं ना, तो वहां पर आपका ईगो झलकेगा और ईगो बहुत कुछ अच्छा नहीं बनाता किसी को। लेकिन अगर गलती हुई है तो वहां पर ग्रुप में ये देखोगे, आपकी जब गलतियां होती है ना, तो लोग हिचकिचाते हैं कि कौन सामने जाकर अपने आप को प्रेजेंट करे कि मैंने गलती की है। लेकिन जब आप ग्रुप से निकल कर आके आते हो और सर बोलते हो कि सर मैंने गलती की, हाँ ये जो रिजल्ट है सर ये मेरे कारण गलत हुआ है, सर माफी चाहता हूँ, तो वहां पर पता है जो ग्रुप के लोग होंगे ना, वो आपको मानेंगे कि आप एक अच्छे नेता हो, एक अच्छे लीडरशिप आपके अंदर है, लीडरशिप की स्किल है। तो हम आगे बढ़ेंगे और आगे ही आपसे ऐसी चीजों से मिलेंगे जिससे आप स्वयं चिंतन कर सकें। आप अपने जीवन में कम से कम इतना तो ला ही दीजिए, जिज्ञासा ला लीजिए और चिंतन ला लीजिए। आज एक ही चीज लुप्त होती जा रही है जिससे हम बहुत सारी वेस्टर्न कल्चर को अपनाते जा रहे हैं, वो है हमारी चिंतन की प्रक्रिया। आज हम किसी चीज को अपनाने से पूर्व उस पर चिंतन नहीं करते कि इसका हमारी सोसाइटी पर क्या प्रभाव पड़ेगा, इसका हमारे सेहत पर क्या प्रभाव पड़ेगा और इसका हमारे मानसिक स्तर पर क्या प्रभाव पड़ेगा। कई सारी चीजें होती हैं, एक ही पहलू के आप बहुत सारी चीजों को साथ जोड़ सकते हो। जब एक कहानी सुनाई जाती है ना, तो उसमें सारी चीजें नजर आती हैं, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, मैथ, साइंस, सब कुछ उस कहानी में। अगर मैं कोई भी कहानी सुनाऊं तो उसमें सारे सब्जेक्ट हैं। जब आप किसी चीज को कोरिलेट करके समझाने लगते हो ना, तो बहुत अच्छा समझ में आता है। ठीक है, हम आगे मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। लेकिन हाँ, लास्ट में जाते जाते अगर कोई गलती हो जाए, गलती हुई हुई कोई ऐसा वर्ड जो आपको चुभ रहा हो, तो मैं मरहम तो नहीं लगा सकता, लेकिन हाँ माफी जरूर मांग सकता हूँ। और मुझे आशा भी आप माफ करेंगे अगर कुछ ऐसा चुभ रहा हो आपके या कोई बात लग गई हो। ठीक है, धन्यवाद, जय हिंद दोस्तों।